एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आज हम लोग फोर्थ पार्ट को पढ़ेंगे। इस पार्ट में जो कंटेंट है वो है सिम्बायोसिस, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि दोनों जीव बेनिफिटेड हो, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, अगर ढेर सारी खेती करते हैं और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, हम इस पार्ट में जानने का काम करेंगे। गुजो के मन में एक शंका है। गुजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड वेयर स्पॉइल्ड बाय ए फंगस, है उसकी व्हीट गेहूं की फसल एक बार खराब हो गई फंगस की वजह से। ही वांट्स टू नो इफ फंगस कॉजेस डिजीजेस आल्सो, क्या फंगस हार्मफुल भी होते हैं? भाई फंगस तो बेनिफिशियल होता है, हम मशरूम खाते हैं, इसका मल्टीपर्पस यूज है फर्मेंटेशन में, लेकिन क्या फंगस रोग को भी फैलाने का काम करता है, रोग का भी कारण बनता है? क्योंकि वीट की फसल फंगस से खराब हो गई। तो पहली टोल्ड हिम दैट मेनी फंजाई लाइक इस एंड मशरूम आर यूजफुल, इस भी हमारे लिए लाभदायक है, मशरूम भी जिसको हम भोज पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बट सम फंजाई काउज डिजीजेस इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, प्लांट्स में भी ह्यूमंस में भी ये रोग फैलाने का काम करते हैं। सम फंजाई आर यूज्ड एज मेडिसिन, इसका मतलब फंगस हमारे लिए अगर बेनिफिशियल है तो साथ ही साथ हार्मफुल भी है। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ रहते हैं, वो शेयर करते हैं बोथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस, जिसमें बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ फंगस जो है रूट्स ऑफ प्लांट्स में रहते हैं। प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगस, प्लांट्स उन्हें क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है। फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन, बदले में फंगस उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? वाटर और कुछ खास न्यूट्रिएंट्स। तो देखा आप इन दोनों का रिलेशन, इनका रिलेशन देखा, प्लांट भी बेनिफिटेड है क्योंकि उन्हें वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, फंगस बेनिफिटेड है क्योंकि उन्हें प्लांट से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रहा है। तो इस तरह का जो संबंध बनता है दो जीवों के बीच में, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा, ये एल्गी का सिंगुलर रूप है, एंड ए फंगस लिव टुगेदर। भाई एक अलगा और फंगस दोनों एक साथ रह रहे, हम इनमें सिम्बायोसिस रिलेशन खोजने का प्रयास करते हैं। फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा, ये अलगा को क्या प्रोवाइड करना, यही है लाइकेन प्लांट।
लाइकेन का प्लांट है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन अल्गी एंड फंजाई, अल्गी और फंजाई के बीच ये कनेक्टिंग लिंक है। तो भाई फंगस ये अलगा को क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, और बदले में अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू फंगस, इसके लिए भोजन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो उसमें आप देख रहे हो दोनों बेनिफिटेड है, अलगा भी बेनिफिटेड है और फंगस भी बेनिफिटेड है। तो इस तरह का रिलेशन क्या कहलाता है? सिंबायोसिस रिलेशन कहलाता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल, भाई जो न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, कि प्राप्ति कैसे होगी मिट्टी में? तो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, कभी आपने देखा है किसान को जो खेतों में मैन्योर्स को बिखरा रहा है, फर्टिलाइजर्स को बिखेरने का काम कर रहा है, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, गार्डनर भी उसका यूज कर रहा है मैन्योर और फर्टिलाइजर का। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? हमारी एक्टिविटी क्या शो कर रही है? तो यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। भाई आप बार बार क्रॉपिंग कर रहे हो तो प्लांट का जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स ये कहां से मिलेगा? ये तो सॉइल से मिलेगा, तो उसकी भी तो एक सीमा है। आप कंटिन्यूअस क्रॉपिंग कर रहे हो, ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स खेत से सॉइल से बाहर आ रहा है प्लांट प्रोडक्ट के रूप में। सो दियर डिक्लाइन, धीरे धीरे इसकी मात्रा घटती जा रही है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। भाई ये जो फर्टिलाइजर और मैन्योर का जो प्रयोग करता है किसान, उसमें क्या पाया जा रहा है भाई? उसमें न्यूट्रिएंट्स के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एनपीके बोलते हैं। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉइल। भाई आपको ये टाइम टू टाइम एड करना पड़ेगा, खेतों में बिखेरना पड़ेगा, खेतों में मिक्स करना पड़ेगा, ताकि वो खेतों में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट हो सके। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अगर आप चाहते हो कि आपके खेतों की प्रोडक्टिविटी बनी रहे, ढेर सारा फसल आप उपजाते रहो, तो भाई इन रिटर्न आपको भी तो खेतों में कुछ देना पड़ेगा। और आप खेतों में क्या दोगे? तो आप फुलफिल करो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स, वो कैसे करोगे? तो मैन्योरिंग से, फर्टिलाइजर का प्रयोग करके आप खेतों में डालने का काम करो, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति मेंटेन्ड रहेगी। अब आइए, ये सारी विधियां हैं जिसके आधार पे हम खेतों में रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स करने का काम करते हैं। ये देख रहे हो क्रॉप रोटेशन, ये क्रॉप रोटेशन क्या है भाई? खेतों में बदल बदल कर फसल लगाना, और दो मेन फसल के बीच में एक लेगुमिनस प्लांट्स को लगाना, ताकि खेतों को भरपूर नाइट्रोजन मिल सके, न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति हो सके। दूसरा देख रहे हो ग्रीन मैन्योरिंग, यहाँ पे किसान क्या कर रहा है? ये मिट्टी को सीधे पलट रहा है। तो ये जितना जो ग्रीनरी देख रहा है, ये सब क्या हो जाएगा? मिट्टी के अंदर चला जाएगा, जिसको डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया और फंगस है कन्वर्ट कर देगा ग्रीन मैन्योर। क्या देखा आपने? ये जो सारी ग्रीनरी जो दिख रहा है आपको, ये किसान इसको मिट्टी के अंदर कर देगा। ये वाला एरिया जो देख रहे हो, यहाँ ग्रीनरी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ के ग्रीन
प्लांट्स को ये किसान ने क्या किया है, पलट दिया, ये मिट्टी के अंदर हो गया है और ये मिट्टी के अंदर अब बैक्टीरिया और फंगस है, इसको पुनः मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। इसी विधि को हम लोग कहते हैं ग्रीन मैन्योरिंग, और ये हमारा हो गया क्रॉप रोटेशन। तीसरा, आप फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हो, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस खेतों में बिखेरने का काम करते हो, ये कंपोस्ट है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, चाहे कृषि कार्य में या घर के कार्य में, वैसे सब्सटेंस जो प्रकृति में नष्ट होकर पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। आप एक गड्ढा बनाओ, ड्राई लीव्स हो गया, ट्विग्स हो गया, आपको पील्स ऑफ वेजिटेबल्स हो गया, काव डंग हो गया, ये सारे को एक गड्ढे में डाल दो, देखना कुछ दिनों के बाद ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आराम से किसान क्या करेगा, इसका छिड़काव खेतों में फैलाने का काम करेगा। और ये जो देख रहे हो वर्मी कंपोस्टिंग, आज गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान इस दिशा में है कि किसानों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। ये चेरा खाद, आप एक पिट बना लो, गड्ढा बना लो या एक बॉक्स बना लो, आप उसमें क्या करेंगे, काव डंग को डाल के आप उसमें अर्थवॉर्म को डाल दो और उसे ढक दो पुआल और पानी का छिड़काव करते रहो, देखना कुछ दिनों के बाद सारा जो वो काव डंग जो गोबर है वो क्या है, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए, और इस कंपोस्ट को आप खेतों में भी खेत दो, फिर देखना कैसे आपके खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती, आपके खेतों की फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो ये जो विधि हमने देखा, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, यूजिंग फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये क्या है, ये है कि आपने जो दोहन किया है, आपने खेतों से जो फसल के रूप में ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स लेने का काम किया है, उन्हें आप वापस पहुंचाओगे न्यूट्रिएंट्स के रूप में, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, और यही प्रक्रिया हम अपनाते हैं, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए, यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट नाइट्रोजन, भाई इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होता है कि खेतों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोलूबल फॉर्म, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। अरे भाई, वातावरण में तो ढेर सारा नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इस फ्री नाइट्रोजन का प्लांट यूज नहीं कर पाता, वो बैक्टीरिया जो है राइजोबियम इसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये प्लांट जो देख रहे हो, कई बैक्टीरिया के रहने की जगह, इसको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड, सो इट ऑफ लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम, प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। ये इन सारे लेग्यूम्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके प्रस्तुत करता है, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, मतलब लेगुमिनस प्लांट और बैक्टीरिया का, राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में कैसा संबंध है, तो सिम्बायोसिस का संबंध है, इसमें दोनों बेनिफिटेड होते हैं, दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जिस खेतों में आपने लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करने का काम किया है वहां पे आप फर्टिलाइजर्स का यूज कम जाता है, किसान इसका यूज नहीं करता है, क्योंकि तो पहले से ही इस खेतों में नाइट्रोजन का कंटेंट्स, न्यूट्रिएंट्स भरा पड़ा है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल्स,
आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। ये दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और ये लोग प्लांट में, और यही देख रहे हो आप, लेग्यूमिनस प्लांट्स का ये रूट सिस्टम है, जहाँ बीट्स के रूप में यहाँ बैक्टीरिया जो है राइजोबियम बैक्टीरिया जो है रहने का काम करता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ। मैक्सिमम में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो किस नेचर के हैं? ऑटोट्रोप्स हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेफ्रोट्रोप। पैरासाइटिक मतलब जो इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं, फिर प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूं। आप कुछ सेफ्रोट्रोपिक है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटरोट्रोप सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। हेटरोट्रोप्स एनिमल्स या तो सीधे प्लांट पे डिपेंडेंट हैं या इनडायरेक्टली प्लांट से डिपेंडेंट हैं। कैन से दैट कि बोरो प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रोप ऑफ, क्योंकि ये अगर इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं अपने नाइट्रोजन को कंटेंट को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। और जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। अब आइए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड कॉल्ड, इसमें दोनों जीव को फायदा हो रहा है, उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। सेप्रोट्रोपिक तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल पे ग्रो करता है, और पैरासाइटिक तो पता है जो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। दूसरा, लाइकेन इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अल्गी एंड फंगस। ये अल्गी और फंजाई के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। कौन? लाइकेन। फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस ऑल ऑफ ये तीनों एनपीके के रूप में हमें प्राप्त। एनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स बाय यूजिंग, भाई आप फर्टिलाइजर्स का यूज करते हो, ग्रीन मैन्योर्स का यूज करते हो, कंपोस्ट का यूज करते हो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए, इससे हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक, भाई फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में जो न्यूट्रिएंट्स है क्या क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों पाए जाएंगे। Which organisms involved to convert atmospheric nitrogen into a usable fod? भाई ये वातावरण के एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉड में बदलने का काम कौन करता है? फंगस, बैक्टीरिया। भाई ये काम तो बैक्टीरिया का काम है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, जो लेगुमिनस प्लांट्स के जड़ों में पाया जाता है, और ये क्या करता है? वातावरण के नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदल करके प्लांट्स को अवेलेबल करने का काम। लेगुमिनस प्लांट्स प्रोवाइड, लेगुमिनस प्लांट क्या प्रोवाइड करता है? सीरियल्स, कॉर्न्स, पल्सेस, ये पल्सेस देने का काम करता है। दाल हमें मिलता है तो लेगुमिनस प्लांट से। रूट्स ऑफ ग्राम पी मूंग लाइक प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू, इसको शेल्टर देते हैं भाई ये प्लांट्स, ये शेल्टर देने का काम करते हैं बैक्टीरिया। द रिलेशनशिप बिटवीन लेगुमिनस प्लांट एंड बैक्टीरिया इज, ये कौन सा रिलेशन डेवलप हो रहा है इनके बीच में? वो रिलेशन है सिंबायोटिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिम्बायोटिक रिलेशन। प्लांट्स में भी ऑटोट्रोप्स, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रोपिक, ऑल ऑफ एबव।
भाई प्लांट्स, ये तीनों नेचर के प्लांट्स आपको मिलेंगे, ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रोप्स हैं। आप देखो कसकुटा या डॉडर, ये अमरबेल, ये पारासाइटिक नेचर के, सैप्रोट्रोपिक में आ जाएंगे, फंगस आ जाएंगे। तो ये प्लांट्स जो है तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को समाप्त किया। अब इससे जुड़े हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस।